दोस्तों सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और इस घंटे को दबाएं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों फाइनली जियो का नया एपीएन सेटिंग आ गया है, जिसमें कि आप अपने एपीएन लगा के खुद से ही और बहुत ही अच्छे इंटरनेट की स्पीड को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एपीएन सेटिंग बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो। यहाँ से आपको लाइक कर देना है यहाँ पे क्लिक करके और साथ ही यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। साथ ही यहाँ नीचे में आना है और आने के बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, एपीएन सेटिंग लिख दो आप और लिखकर सेंड कर दो। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये कि आप सबसे पहले अपने सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे जियो 4G दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे 3 नंबर पे एक्सेस पॉइंट नेम है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो न्यू एपीएन का ऑप्शन है, इस पे न्यू एपीएन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा। तो मैंने पहले से बना के रखा है तो हम उसमें क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से जाते हैं अपने फॉर्म में, तो यहाँ पे देख लो आप ध्यान से देखो कैसे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास नेम का, यहाँ पे नेम पे आपको क्लिक करना है और नेम में आपको देखो क्या लिखना है, जियो 4G Max 2.0। यहाँ से जे बड़ा होगा, यहाँ से मैं आपको फिर से लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ से जे बड़ा और जियो, यहाँ से स्पेस दे देंगे 4 और उसके बाद यहाँ से जी बड़ा फिर स्पेस देंगे MAX और उसके बाद स्पेस नहीं देना है 2.0, बस यहाँ से लिख दो और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से APN को APN में आप क्लिक करोगे, APN में आपको देखो क्या लिखना है, जियो नेट, J बड़ा होगा, I छोटा, O छोटा, N बड़ा और ET स्मॉल, यहाँ से करके ओके कर लेना है। आपको प्रॉक्सी को नॉन सेट छोड़ दो, पोर्ट को भी नॉन सेट छोड़ दो, यूजर नेम पासवर्ड इसे भी आप नॉन सेट छोड़ दो। यहाँ पे सर्वर की बात करें तो सर्वर पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे लिखना है www.jio.com और इसे ओके कर देना है। उसके बाद MMC प्रॉक्सी छोड़ दो, MMS पोर्ट ये भी छोड़ दो, MCC और MNC यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें आपको बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ये आपका एरिया कोड है। फिर यहाँ पे आती है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर आपको क्लिक करना है और ये सेकेंड वाला ऑप्शन है PAP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप इसे छोड़ दो और यहाँ से APN प्रोटोकॉल है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये 3rd नंबर वाला जो है इसे ही सिलेक्ट करके रखना है। फिर आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल है, इसमें भी आपको 3rd नंबर वाला ही करना है। उसके नीचे आप जाओगे, यहाँ पे बेरर का ऑप्शन है, तो बेरर में आपका होता है यहाँ पे अनसेफिक, यहाँ पे पहले वाले पे ही क्लिक रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है, तो आपको क्या कर देना होगा, इसे अनटिक करो, LTE HSPAP HSPA यहाँ से SSUPA यहाँ से हो गया EDGE और यहाँ पे GPRS, इतने को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओके कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप में मल्टीपल बेरर सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप सिर्फ LTE पे टिक रखना और उसे ओके कर देना है। करने के बाद यहाँ नीचे में मोर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव हो गया, अब इस पे आपको बस एक बार टैप कर देना होगा, उसके बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर नहीं बढ़े तो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।